ਪਲੰਦਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਮਡੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਟੋਰੀਅਸ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗਾ ਫੁੱਕੀਵਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਪੰਮਾ ਪਾਊਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਲੰਡੇ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਡੂਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗੇ ਇਲੀਗਲ ਪਿਸਟਲ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਿਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਊਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਪਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਇਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ MP ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੈਪਨਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰੈਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਮਰਾਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਈਏ ਔਰ ਡਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀਏ। नजर आ जाता है किसी का समर्पण, देश की प्रगति का विजन और उनके शब्दों में प्रकट हो जाती हैं देशवासियों के लिए उनकी भावनाएं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने न केवल भारत की प्रगति को तेज किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को भी नया आयाम दिया। उनकी विदेश यात्राओं ने भारत की वैश्विक स्थिति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में ऐतिहासिक भाषण हो या G20 और ब्रिक्स सम्मेलनों में भारत का नेतृत्व, मोदी जी के हर दौरे ने भारत के प्रभाव को मजबूत किया। उनके पहले कार्यकाल में जिस तरह भारत ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और क्वाड जैसे महत्वपूर्ण मंचों पर नेतृत्वकारी भूमिका निभाई, उसी तरह उनके दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में ही देश को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में नई पहचान मिली। पूरे विश्व में बढ़ता भारत का मान और मोदी जी को पूरी दुनिया से मिल रहा सम्मान उनकी अथक मेहनत की गवाही दे रहे हैं। हाल ही के दिनों में भारत ने न केवल वैश्विक मंचों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है बल्कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए दुनिया के प्रमुख देशों से समर्थन भी हासिल किया। एक बार फिर दुनिया ने देखा जब क्वाड देशों की मीटिंग के लिए मोदी जी ने अमेरिका की यात्रा की। इस यात्रा से भारत ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की जो भारत के बढ़ते कद को दर्शाती हैं। पीएम मोदी क्वाड देशों की मीटिंग में शामिल होने गए थे लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने उन्हें अपने घर बुलाकर सम्मान किया, जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण था। ये पीएम मोदी के नए भारत की शक्ति है कि UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका सहित फ्रांस और ब्रिटेन ने भी भारत का समर्थन किया। पीएम मोदी अमेरिका से भारत की 297 कलाकृतियां वापस लाए और भारतीय संस्कृति की धरोहर देश को सौंपी। भारत के ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए $750 मिलियन की मंजूरी मिली और हरक्यूलस एयरक्राफ्ट के साथ परमाणु शक्ति से लैस 31 ड्रोन की खरीद से भारत की सेनाएं मजबूत हो रही हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की डिजिटल शक्ति पर US की हर बड़ी कंपनी ने भरोसा जताया और AI एवं सेमी कंडक्टर जैसी टेक्नोलॉजीज में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट पर हामी भरी। साथ ही कुवैत और नेपाल के साथ भी ऊर्जा सहित अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते हुए। एक तरफ मोदी जी आने वाली पीढ़ी और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव रखी तो वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन फिलिस्तीन में शांति स्थापित करने के लिए विश्व बंधु की भूमिका भी निभाई। मोदी जी की अमेरिका यात्रा से न सिर्फ 140 करोड़ देशवासियों ने सपने पूरे करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं बल्कि भारत को और अधिक शक्तिशाली एवं सक्षम भी बनाया है, जो ये बता रहा है कि मोदी जी की दूर दृष्टि से भारत जल्द ही विकसित बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहा है।
मोदी जी का गौ प्रेम वाला रील आपको टीवी पर दिखाया जाएगा, पर मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में गौ माताओं का कूड़ा खाने का ये तस्वीर कोई टीवी चैनल नहीं दिखाएगा। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र काशी में विधायक भी बीजेपी का है और मेयर भी बीजेपी का ही है, फिर भी वहां गौ माता का ये हाल है। सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना अंतर्गत गोसैसीपुर में अंडा व्यवसायी को चार बदमाशों ने गोली मार दिया। बाइक सवार बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। उधर दूसरे लोगों ने दोस्तपुर गोसैसीपुर मार्ग को जाम करके प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मौके पर सीओ विनय गौतम पहुंच करके लोगों को समझाने बुझाने में जुट गए हैं। वहीं एसपी सोमेन वर्मा अस्पताल पहुंचे हैं और घायल का हाल जाना है।